दोस्तों, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आज की डेट में इंडिया का सबसे पॉपुलर टीचर कौन है, तो आप सब एक ही नाम लेंगे और वो नाम है खान सर का। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों खान सर ने अपने यूट्यूब चैनल में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर का मार्क हासिल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये पहला मौका है किसी भी एक इंडियन यूट्यूबर टीचर के लिए जिसने अपने दम पे ये मार्क हासिल किया है, और वो भी इतने कम समय में। आप अगर उनका चैनल देखें तो वो बना भले ही 2019 में था, पर जो एक्टिव हुआ है उनका चैनल वो लास्ट ईयर कोविड के बाद यानी कि 2020 मार्च के बाद उनका चैनल एक्टिवेट हुआ है, ज़्यादा एक्टिव हुआ है। और उसके बाद विद इन अ ईयर ये मार्क हासिल करना दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये मार्क एक टीचर के लिए, एक टीचिंग चैनल के लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की डेट में आप एंटरटेनमेंट बहुत आसानी से बेच सकते हैं, आज की डेट में आप वल्गर कंटेंट्स बहुत आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन एक टीचिंग कंटेंट्स को क्रिएट करते हुए ये 1 करोड़ सब्सक्राइबर का मार्क इतने कम टाइम में हासिल करना, ये दोस्तों अपने आप में एक मिसाल है। और आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज़ है खान सर की जिसने उन्हें इस मुकाम पे आज की डेट में पहुंचाया। और दोस्तों, इस वीडियो में एज अ टीचर हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का है कि एज अ टीचर एक आइडियल टीचर की क्वालिटीज़ जो है वो क्या क्या होनी चाहिए। आज तक हम समझते आए कि एक टीचर के ऑडियंस की अपनी एक लिमिटेशन होती है, पर दोस्तों खान सर ने ये चीज़ को साबित कर दिया है कि आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन एज अ टीचर यू कैन बी मोर पॉपुलर देन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स। आई एम गगन लड्डा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एवरडेमी, और मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बनिए रहिएगा और हम देखेंगे 5 ऐसी क्वालिटीज जो खान सर को बनाती है इतना स्पेशल। सबसे इनफैक्ट बोला जाए तो हमको ये चीज अच्छा लगता है कि कोई भी चीज को बेहतर ढंग से कैसे बताया जा सके ताकि उस व्यक्ति को इसमें कोई भी चीज डाउट न रह जाए। एक सिंपल भाषा में, आप एक मजदूरी करने वाला जो दिन भर सीमेंट बालू ढोया है, उस थक के जब शाम को आता है तो आप उसे फिजिक्स समझा देते हैं कि नहीं समझा देते हैं, ये होना चाहिए। हम ये सोच के बताते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उसका बैकग्राउंड क्या है। वो एक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अंगूठा छाप भी है ना, तो उसको भी हर चीज समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली क्वालिटी यही होती है टीचर की, एक आइडियल टीचर की, और जो खान सर में है वो है कि वो अपने कंटेंट्स के डिलीवरी को बहुत ज्यादा सिंपल रखते हैं। इतनी सिंपल भाषा में कि हर एक आदमी, हर एक वर्ग का आदमी उनके कंटेंट्स को समझ सके, उनकी टीचिंग को समझ सके। आज एक बच्चा भी उनके वीडियोज देखता है, एक वयस्क भी उनके वीडियोज देखता है, और एक बूढ़ा आदमी भी आज उनके वीडियोज देखता है। एक गरीब आदमी भी उनके वीडियोज देखता है, एक अमीर आदमी भी उनके वीडियोज देख रहा है। जो प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की वो तो देखता ही है, इनफैक्ट जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं ऐसे भी बहुत से लोग उनकी वीडियोस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है एक्सप्लेनेशन में। और सिंपल रखने के लिए जरूरी है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो कि आप अपनी भाषा को, अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज को यूज करें रादर देन इंग्लिश। इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम हो सकता है आपकी चीजों को एक्सप्लेन करने का ऐसे लोगों को जो इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं। पर जब आप अपनी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, जब आप ऐसे लोग को एड्रेस कर रहे हैं जो वर्नेकुलर लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो आपको उन्हीं की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आपकी ऑडियंस कंफर्टेबल हो, वो लैंग्वेज यूज करना सबसे जरूरी होता है। दूसरा जो तरीका है आपको सिंपल रखने का, अपने कंटेंट डिलीवरी को सिंपल रखने का, वो ये है कि आपको अपने कंटेंट के अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करके बतानी। आपने अगर खान सर के वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि वो किस तरह से अपने कंटेंट के अराउंड स्टोरी बिल्ड करके बताते हैं, और इससे जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है समझने वालों के लिए। आपने अगर उनके COVID-19 के से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे तो वो एक एक वीडियोस में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और वो इतने सिंपल तरीके से समझाई गई है कि मैं समझता हूं कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी इतनी इंफॉर्मेशन को इतने सिंपल तरीके से आपको नहीं समझा पाते जितने इजी तरीके से खान सर ने आपको आप ही की लैंग्वेज में वो चीज समझा दी है। तो ये एक दोस्तों एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक टीचर की कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमारे कंटेंट्स को सिंपल रखना चाहिए। एगो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मने तू भगवान तेरे बाप का नौकर है कि तेरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा। आंसर बकलोल रहे हैं जो ने मानसून पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किधर से आएगा, अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा, मालाबार से टकराएगा, 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी, सूर्य की स्थिति बताओ, इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए।
यार दोस्तों। सेकंड जो जरूरी क्वालिटी होती है टीचर की जो कि खान सर में है वो है ह्यूमर क्रिएट करना। आप अपने लेक्चर के टाइम जितना अच्छे से ह्यूमर क्रिएट कर पाएंगे आप अपने ऑडियंस को उतना ही ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। और दोस्तों आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूट्यूब में इतने सारी चीज़ें आज उनके पास है करने के लिए कि आपको अपने कंटेंट्स में अगर रिटेन करना है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उसमें एंटरटेनमेंट क्रिएट करना होगा। एंटरटेनमेंट या फिर ह्यूमर क्रिएट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, सामने वालों को उस चीज में इंटरेस्ट आता है। अगर आपके स्टूडेंट उसको देख रहे हैं उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट आता है और फिर वो उस चीज में और ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करता है। सेकंड चीज जो है वो आप उसको लंबे समय तक आप बांधे रख सकते हैं। जब आप 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस आप लेते हैं तो उस समय आसान नहीं होता है एक स्टूडेंट को रिटेन करके रखना, पर बीच बीच में जब आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं, आप हंसी मजाक उनके साथ करते हैं तो ये चीज बहुत आसान हो जाती है। तीसरी चीज, जब आप उसको किसी जोक के थ्रू कोई चीज समझाते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्टूडेंट उस चीज को कभी नहीं भूलता, उस चीज को वो लंबे समय तक याद रखता है। और चौथी सबसे जरूरी चीज दोस्तों कि जब आप ह्यूमरस वे में पढ़ाते हैं, जब आप कॉमेडी करते हुए पढ़ाते हैं, जब आप जोक्स क्रैक करते हुए पढ़ाते हैं तो आपके वीडियोस के वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपके वीडियो के मीम्स बनने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ खान सर की क्लिपिंग्स को अपने चैनल में डाल के उस चीज़ को वायरल करते हैं, तो ये ऑटो वायरल होने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ वायरल करने में बड़ी बड़ी कंपनीज आज की डेट में करोड़ों रुपए खर्च करती है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमर के दम पे, अपने कॉमिक सेंस के दम पे उस चीज़ को अचीव की कि उनके जो कंटेंट्स है वो लोग खुद ही आपस में सेल्फ वायरल कर रहे हैं। तो दोस्तों एज ए टीचर अगर आप भी बहुत जल्दी पॉपुलर होना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कंटेंट्स के अराउंड ह्यूमर क्रिएट करना आना चाहिए। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि ये ह्यूमर कभी भी भद्दा नहीं होना चाहिए, आपके जो कंटेंट्स है उससे रिलेटेड ह्यूमर रहना चाहिए और एक साफ सुथरा ह्यूमर रहना चाहिए जिसमें एक टीचर की मर्यादा साथ साथ में बनी रहे। तीसरी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है दोस्तों और ये मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानता हूँ कि आपको अपनी रिसर्च, अपने लेक्चर डिलीवरी के पहले जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपको सफिशिएंटली करनी चाहिए। आइए सुनते हैं खान सर के मुंह से। हमारे नज़र में एक टीचर को कैसा होना चाहिए? एक फिल्म का डायरेक्टर देखें, वो 1-3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए बेचारा 3 साल से मेहनत करता है तो आपको वो फिल्म इतनी बेहतरीन दिखती है। तो एक टीचर को भी ऐसे ही करना चाहिए, 1 घंटे के क्लास के नहीं उसके 10 घंटे से मेहनत होना चाहिए। कौन सा स्लाइड दिखाएगा, कौन सा वीडियो दिखाएगा, कौन सा एग्जांपल चाहिए, कैसे समझाना है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह खान सर भी ये चीज मान रहे हैं कि आधे घंटे की कंटेंट डिलीवरी के लिए के पीछे एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 घंटे की रिसर्च रहती है। सबसे पहले जब आपको कोई वीडियो बनाना है तो सबसे पहला काम है उसके कंटेंट्स की रिसर्च करना और जेन्युइन सोर्सेज के थ्रू आपके कंटेंट्स की रिसर्च बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि आपके कंटेंट्स कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो, आपके कंटेंट जो है वो यूनिक रहना चाहिए और रिसर्च बेस्ड रहना चाहिए, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहनी चाहिए। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है कि आप उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें। अगर आपने खान सर के वीडियोस में देखा होगा आगे से आगे उनके जो प्रेजेंटेशन है, जो फोटोज है वो रेडी रहता है, उनके वीडियो को आप देख के जज कर सकते हैं कि इन्होंने पहले से काफी सारी प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक में कर चुकी है और आगे से आगे क्या चीज डिलीवर करना है ये चीज उनको पता है। इवन कई बार कुछ चीज एक्स्ट्रा डालनी रहती है तो वो पहले से वो चीज को लिख के रखते हैं। और तीसरी जो जरूरी चीज है दोस्तों कि आप जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं उसको भी आपको पहले कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है। अगर आपके आधे घंटे की डिलीवरी, आप पहले उसके आधे घंटे 1 घंटा पहले से आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप अकेले कमरे में उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मन में सोच सोच के उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस चीज़ के बाद आपको क्या बोलना है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप बुक का रेफरेंस ना लें, बुक या कॉपी का रेफरेंस ना लें। जब आप देख देख के पढ़ाते हैं तो आप में वो फील आ ही नहीं सकती। ऑन द कॉन्ट्रारी जब आप रिसर्च बेस्ड चीज़ें करते हैं, जब आपने कई दिनों तक उस चीज़ पर रिसर्च की है, जब आपने उस चीज़ को जिया है तो वो चीज़ आपके अंदर से निकलती है और वो चीज़ सीधा दर्शकों के दिल तक पहुँचती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है खान सर की वो है फोकस ऑन द वैल्यू एंड नॉट ऑन द सब्सक्राइबर बेस। दोस्तों मैं पिछले दिनों उनके चैनल में रिसर्च कर रहा था, मैंने ये देखा कि जो सारी चीज़ें हम लोग ये बताते हैं यूट्यूब के एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम में अपने आप को ऊपर करने के लिए जो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से कोई भी चीज़ वो यूज़ नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि आपको टैग्स अच्छे डालने चाहिए, उनके वीडियो में आप देखेंगे कॉमन टैग्स रहते हैं, टैग्स आप चाहें तो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके वीडियोज़ के टैग्स देख सकते हैं, कोई भी कॉमन टैग्स रहते हैं, खान सर वीडियो, खान सर
सर पटना, बस कोई भी वीडियो स्पेसिफिक टैग्स उनके वीडियो में नहीं रहते हैं, ना ही उनके में कोई वीडियो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन रहते हैं, वो ये सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में फोकस करते हैं और वो रहता है उनका कंटेंट, वो रहता है कि कितनी वैल्यू वो सामने वाले को उनके दर्शकों को दे पा रहे हैं ना। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बाकी चीज़ में फोकस नहीं करना है, कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आप कितनी वैल्यू आप अपने ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उनको ये चीज़ लग रही है कि हाफ एन आवर में आपने जितने कंटेंट डिलीवर करे हैं उस कंटेंट को पाने के लिए उनको कम से कम 8 से 10 घंटे की रीडिंग करनी पड़ती, तब आपका कंटेंट डिलीवरी सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल है। तो इसलिए कभी भी जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो ऑडियंस की वैल्यू सिस्टम पे रहना चाहिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम उस चीज़ को समझता है कि लोग उसमें अगर ज़्यादा रिटेन हो रहे हैं तो वो उस चीज़ को फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, और लोग ज़्यादा तभी रिटेन होते हैं जब उनके काम की वैल्यू उसमें रहती है, जब आप उसमें गार्बेज ना भरे, जब आप उनके काम की चीज़ें आप उनको दें तभी लोग आपके वीडियोज़ में रिटेन हो पाएंगे। तो हम लोग क्या है कि जैसे चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया जिसने पूरा मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया, हमारा लक्ष्य है कि लाखों में चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा करना है, जो इस देश से धनानंद से तो न लड़ सके लेकिन धनानंद के रूप में छुपे हुए इस देश के गरीबी, दरिद्रता, भ्रष्टाचार इत्यादि से लड़ाई लड़ सके, जो देश को आगे बढ़ा सके। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सीख है दोस्तों खान सर से हमको जो सीखनी चाहिए वो है डेट वर्क फॉर द हायर पर्पस। आपका पर्पस कभी भी बहुत हाई होना चाहिए। आपने अगर उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, उनके वीडियोज देखे होंगे, वो अक्सर एक चीज कहते हैं कि मेरा एक ही सपना है कि मैं भारत माता को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पहुंचाना चाहता हूं जब वो सोने की चिड़िया कहलाती थी, और मैं उस चीज के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों पैसे नो डाउट आपके पास आएंगे, बट मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। मनी कभी भी आपका मेन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ मनी को एज अ मेन प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं आप एक लेवल तक ही आगे जा पाएंगे, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं तो एक लेवल तक ही आप पैसा कमा पाएंगे, उसके आगे आप नहीं कमा पाएंगे। कभी भी आपको अगर आगे बढ़ना है, अपने ऑडियंस को आपको ग्रो करना है, तो आपको एक हायर पर्पस लेके चलना पड़ेगा। आपको ये सोच के करना पड़ेगा कि आप सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, आप देश के भविष्य को पढ़ा रहे हैं और आप देश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। तो एक वो वाली फीलिंग, एक जो हायर पर्पस वाली फीलिंग है, वो हमेशा से हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। और आपने अगर देखा होगा उनके अगर क्लासरूम को अगर आपने देखा होगा तो साइड में हमेशा तिरंगा झंडा रहता है, तो एक वो देशभक्ति वाली फीलिंग उनमें हमेशा से रही है। और यही चीज है दोस्तों कि वो इतने ईजिली लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, इमोशनली भी इतने ईजिली वो कनेक्ट कर पाते हैं, और यही कारण है कि इतने ज्यादा इतने तेजी से उन्होंने ग्रो किया है। तो दोस्तों यही वो 5 क्वालिटी है जो कि आज की डेट में खान सर को इतना पॉपुलर की है, और एक आइडियल टीचर की यही 5 क्वालिटी सबसे ज़रूरी होती है। आपको कौन सी क्वालिटी उनकी सबसे अच्छी लगती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों पिछले दिनों उनके साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी चली है खान सर के साथ, और कई लोग उनकी जाति पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति से तोल रहे हैं, ये भारत जैसे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां पर गुरु को एक भगवान तुल्य माना गया है। दोस्तों मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स तक पहुंचाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।